पॉलिटिकल इंद्रजीत, आप सबको सबको स्वागत करता है अपना एक नया ब्लॉग में। दोस्तों देखिए, इन वीडियोस और फोटो से मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो पावर डिपार्टमेंट है ना, पावर डिपार्टमेंट जो है सबसे हार्ड वर्किंग वाला डिपार्टमेंट है। अब अभी देख सकता है, देखिए किसी जगह फॉल गिरा हुआ है और कोई जगह में पेड़ टूट के गिर गया है, वो ऊपर में लाइन के ऊपर में गिर जाता है, ऐसा होता है। देखिए ये सब क्यों होता है, समाज सीजन में होता है वो आप लोग तो सब जानता है कि अरुणाचल जो है एक पहाड़ी इलाका है, इसके बाद जंगल ज़्यादा, यहाँ लैंडस्लाइड होता है, इसके बाद फ्लड भी होता है, इसके बाद जो रेनफॉल हैवी होता है यहाँ पर, और जंगल ज़्यादा होता है। जंगल को तो मालिक लोग कटने नहीं देता है, जहाँ लाइन जाता है उसमें कॉम्पेंसेशन मांगता है, तो लाइन एक मिनट नहीं आने से भी सब चिल्लाने लग जाता है, पावर डिपार्टमेंट क्या कर रहा है क्या कर रहा है। आप लोग देख सकता है नया फॉल कितना लगाएगा, कितना टूट के गिर जाता है, कितना को प्लाट ले जाता है, लैंड स्लाइड से कितना टूट जाता है। तो बहुत मुश्किल से उन लोग काम कर रहा है। हमको तो लगता है पावर डिपार्टमेंट सबसे ज़्यादा काम करने वाला पावर डिपार्टमेंट ही है। तो इसीलिए मैं इन वीडियोस और फोटो से ये बताना चाहता हूँ कि हम सबको भी ये होना चाहिए, एक कॉमन सेंस होना चाहिए, हम सबको भी पेशेंस रखना चाहिए। जब लाइट नहीं आता है तो पेशेंस रखना चाहिए। हाँ, अभी तो चाहिए सबको लाइट, लाइट तो चाहिए, किसको नहीं चाहिए, बट देन पेशेंस भी होना चाहिए। ये सब रेनफॉल का वजह से हो रहा है, फ्लड का वजह से, लैंडस्लाइड का वजह से हो रहा है, इसके बाद सबसे ज़्यादा जंगल से हो रहा है। जंगल जो होता है ना अपना, हम लोग के इधर में तो मालिक होता है, काटने नहीं देता है, सब कहाँ काटने देता है, तो वहाँ वही से ख़राब होता है लाइन ना। तो हमको भी सबको सोचना चाहिए, हम लोग हेल्पफुल होना है, मदद करना चाहिए, डिपार्टमेंट को भी मौका देना चाहिए उन लोगों को भी, तब जाके जो सप्लाई जो है एकदम स्मूथ होगा सप्लाई जो है। जब तक ये नहीं होगा, सिविक सेंस नहीं होगा ना, तब तक ये सप्लाई अच्छे से नहीं होगा, यही मैं कहना चाहता हूँ। थैंक यू सबको।